अगर चाचा कहोगे तो तुम मरोगी, पक्का है। ईशावती मौत से बचा चाहती हूँ तो हाँ, बचा सकता हो कब, जब हमारा कहा करोगी। मतलब आपका कहना क्या है? ईशावती, हमारा कहना है कि तुम हमारी नारी बन रहे हो। सर मैं आदि तुम्हें ऐसी बात करते हो, रानी और कमलेश को मौत की सजा। एक बात बताई, कमलेश की तरफ से महाराज के पास गवाही मांगी। कमलेश निर्दोष राज दरबार में साबित मैं करूंगा। मौत की सजा कमलेश को नहीं, तुम दोनों को मैं दे जाऊंगा। हाँ, बचा सकता हूँ कब, जब हमारा कहा मानोगे। लेकिन तेरे कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, यही महाराज। 50-50 करो, खुराक बनाओ, एक खुराक तुम, एक खुराका ऊपर वाला तुम्हारा, नीचे वाला। इसमें तेरा जुगाड़ नहीं रहेगा। अरे नहीं, तुम यहाँ से जाते हो या नहीं लगेगा। मैंने कह दिया तेरा जुगाड़ नहीं लगेगा। रहो साल जी, शरम नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते। अरे जरा सोचो, गिरात दरबार बैठे रहे तुम, मगर मैं ज्यादा गरीब चाचा बिनौते आप बिटिया नमस्ते नमस्ते, और आप इसी बिटिया कहते हो कि नहीं जाने बनो। तुम जैसे चाचा हो सिंधु भर पानी टूट के मर जाना चाहिए। सर हम नहीं जाते जरा। वाह कृष्णावती वाह, शर्म मुझे आना चाहिए। अरे कृष्णावती, शर्म तो तुझे आना चाहिए, क्योंकि कमलेश तेरा भाई और सारा तू उसके हाथों में जाति का धागा बांधती थी, और वही भाई तुझे रक्षा का वचन देता था, और आज उसी भाई के साथ ऐसे दुष्कर्म कर रही हूं और कह रही हूं कि शर्म मुझे आना चाहिए। याद रखो कि शब्द, अगर तुमने मेरा कहा ना किया तो मौत से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। कमलेश को भरे दरबार में निर्दोष साबित मैं बनता हूं, और मौत की सजा तुम्हें दिलाऊंगा। सुनो मेरी बात, मजबूरी है, मजबूरी में फाटा सभी लोग उठा देते। ठीक है, कहना मानो। मंत्री जी आइए, बचा सकते। देखिए बुरा मत मानो, अकेले में कुछ भी कहेंगे लेकिन पिताजी के सामने चाचा ही कहेंगे। हाँ, लेकिन जब हम तुम रहते थे तो चाचा बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि चाचा का सब हटा दीजिए। हाँ, तुम भी बिटिया बहना जरूर। ठीक है, आपका कहना मुझे मंजूर है, लेकिन बता तो है इस बात का कि हम दोनों के बीच करोड़ा है तो कमलेश है। कमलेश जिंदा रहेगा तो आज नहीं कल रात कुल चक्का है, दोनों लोग मारे जा सकते हैं। किसी भी किसी तरह से कमलेश को मौत की सजा दिला दो, उसके बाद हर पांच आपकी पूरी करती होगी। जो बात है तुमने अभी मुझसे बताया है, और यही बात कर अगर तुम अपने पिताजी के समक्ष बतलाओगी तो कमलेश को मौत से कोई बचा नहीं सकता है, उसे मौत की सजा मैं। कमलेश को पक्का मारना पड़ेगा। Yeah.
हॉर्न ना लगाओ, आप बजाओ वो बजा लो के चले जाओ, हम हो जाए भी हो जाए मास्टर क्या सारा हमारे डिपार्टमेंट मंत्री नहीं करे ओके हमारे दादी का जी रोटी रही जहाँ जात रहे सादे जात रहे जहाँ खास रहे सादे खास रहे अगर जूता ला खास रहे तो वो सादे खास रहे आज साला और इतना चीज पाई सपना लहा ली सबका दूर तो माजिए लगा के लहा ली क्या वाई कटा इतने नष्ट हर रहे वाह वाह भाई प्रताप सिंह बहुत अच्छा सिला दिया है हमारी वफादारी का लेकिन तुमने हमारी वफादारी देखी अभी गद्दारी नहीं देखी तो साले हमारे साथ गद्दारी करोगे हम तुम्हारे साथ गद्दारी करेंगे तो साले महाराज किया करवा करो तुम्हारे घर बाजार तो राजकुमारी के ऊपर मोहब्बत के जाल देखो तुम्हारे घर में कचिया लगाओ तुम राजकुमारी के पास बेसमेंट चौका लगाओ तुम्हारे घर में डाबर लाल दबंजन शिक्ष लगाऊंगा अगर गेट बाउंड्री लाइन से बाहर न किया तो मेरा नाम बोलो हम लोगों का दुश्मन बना के बदलाइए इस वक्त अपना बेटा विजय कहाँ पड़े स्वामी जी इस वक्त अपना बेटा विजय कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है और मैंने उसके लिए नाश्ता 10 रुपए करके बनवा दिया है और वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है ज्यादा नहीं ये ना पर हमें पहुंचा ये कहां की रहने वाली है महाराज ये है कहां की रहने वाली है आप ये नहीं जान सकते ये देखिए ना ध्यान में आप लोग ये ना सोचे कि व्यवहार हमारा दोहरा नहीं जाएगा मैं भी ये का सब लोग दोहराएंगे अपने साथ ये तो यार है और ये वो तेरी माँ हाँ ये तीनों मेरे बेटे श्याम कुमार को सैलानी जानवर के हवाले किया और मेरे सामने मिली पत्नी पर सही वक्त पर पहुंच गया जब ये नारी होता नारी का दर्द नहीं समझती ये पैसा लेकर सहारा नहीं थी भावना करती ये वो औरत इसमें मांग करती है कि आओ ले जाओ खाओ जाओ बना चलो थोड़ा फोन करते हैं नहीं तुम कब से पति को मान ले लगे देखो पति जी मेरे ठीक हो गए हैं और मैं को अच्छा सा ले जा करवाऊंगी ये ठीक हो जाएंगे पहले मैं इलाज करा रखती हूं इलाज नहीं तो करा वो नंगे भाड़े हुए हैं तू ही का इलाज कराओ चलो चलो बाबा ये धरती पर रहना है पति जी ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाओ दोस्तों नमस्कार मुमताज अली भटनोसा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये हमारा सेकंड चैनल है जो मुमताज अली भटनोसा चैनल के नाम से प्रचलित है चल रहा है। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें
और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पे डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रोग्राम की बात करेंगे। कल मैंने वीडियो में डाल करके आपको जानकारी दिया था, बतलाया था कि 14 सितंबर दिन शनिवार को हमारी कंपनी का प्रोग्राम कन्हा के बगल में जहाँ गीराबाद में होना है, हमारे आदरणीय गुरु जी घनश्याम पांडे जी के यहाँ। तो दोस्तों आज 14 तारीख है, आज हमारा प्रोग्राम वहीं होगा जहांगीराबाद कन्हा के पास। तो ये जानकारी तो मैंने कल आपको डाल करके बतला दिया था, लेकिन अब हम बात करेंगे आने वाले कल के। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने सेकंड चैनल पे अपलोड करें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले और प्रोग्राम की जानकारी का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों बताऊंगा 15 तारीख का, कल दिनांक 15 है, 15 सितंबर दिन रविवार सन 2024, और 15 तारीख को हमारा प्रोग्राम सुल्तानपुर ज़िले में होगा। सुल्तानपुर ज़िले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है चकपेरी, गांव चकपेरी है, पोस्ट बल्दीराय, थाना बल्दीराय, ज़िला सुल्तानपुर। हमारे घर मालिक आदरणीय राम गुलाम चौरसिया साहब हैं, उन्हीं की हमारी कंपनी का प्रोग्राम कल 15 तारीख को होगा। और ये हमारा प्रोग्राम जो है 15 तारीख का, ये हमारे जनाब भाईजान पारा बाज़ार के माध्यम से बंधा हुआ है। तो आइए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इसे अगर आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आपको जानकारी पूरी हो जाएगी, रास्ते की जानकारी मिल जाएगी, इसलिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। नंबर को नोट कर लीजिए, 9696-6482-39, यानी 9696-6482-39, और दूसरा है 7266-07-9590, यानी 7266-07-9590, ये नंबर है। दोनों नंबरों को नोट कर लीजिए, कहीं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसी नंबर पर कॉल करके आप रास्ते की जानकारी ले सकते हैं। और कल 15 तारीख को दिन रविवार को चकपेरी गांव पहुंच करके भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम देख सकते हैं। धन्यवाद।